कोविड नियमों को ताक पर रखकर हुआ नौटंकी का आयोजन। सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के प्रति लोगों को आगाह किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे आयोजन हो रहे हैं जो खुद ब खुद सवालों के घेरे में हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर समय समय पर अपने संवादों से लोगों को आगाह करते आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह का आयोजन अपने आप में सवाल खड़ा करता है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिला के लवेदी इलाके के गोरखा गांव में एक नौटंकी का आयोजन हुआ, जिसमें जमकर कोविड नियमों की खिल्ली उड़ाई गई। परिवार में बच्चे की पैदाइश के बाद जश्न स्वरूप आयोजित इस नौटंकी में बड़ी तादाद में गांव वाले जुटे हैं। बिना अनुमति किए गए नौटंकी के आयोजन में स्थानीय पुलिस से किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई है। इस नौटंकी में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। इस नौटंकी के बारे में ऐसा पता चल रहा है कि लवेदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धोड़खा में कोविड 19 की गाइडलाइन को ताक पर रखकर गांव के ही अभिलेख दोहरे ने गांव में नौटंकी का आयोजन करवाया था। नौटंकी में भीड़ को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अब लोगों के अंदर से कोरोना का डर खत्म हो गया है। भीड़ में मौजूद कोई भी व्यक्ति मास्क तक लगाए नहीं दिखाई दे रहा है। भीड़ सैकड़ों की संख्या में दिखाई दे रही है और कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव वालों की बात करें तो अगर माना जाए तो इस आयोजन में लवेदी पुलिस भी मौजूद थी। अगर लवेदी की मौजूदगी थी तो इसका मतलब साफ है कि पुलिस की इस आयोजन में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष भूमिका जरूर मानी जाएगी। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि नौटंकी मनोरंजन का बड़ा माध्यम होती है। गांव के लोगों को मनोरंजन कराने के लिए इस नौटंकी का आयोजन कराया गया है। फिलहाल कोरोना नियमों की बलाएं ताक में रखते हुए यह नौटंकी अब चर्चाओं के केंद्र में बनी हुई है। पुलिस के अधिकारी फिलहाल इस नौटंकी को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।